बच्चों नमस्कार, मैं श्रीमती रागिनी अवस्थी, सहायक कार्यक्रम समन्वयक समग्र शिक्षा रायपुर। तो बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं विषय हिंदी पाठ 19 कटुक वचन मत बोल, ये पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं। इस पाठ के लेखक हैं श्री रामेश्वर दयाल जी। तो आइए देखते हैं पाठ की ओर। वाणी की मिठास पर भक्तिकालीन कवियों ने बार बार बल दिया है। इसका तात्पर्य क्या है कि भक्तिकालीन कवि या और भी जो कवि हैं, सभी ये चाहते हैं कि वाणी की मिठास की, मनुष्य को कैसी वाणी बोलनी चाहिए, मीठी वाणी बोलनी चाहिए। तो प्रस्तुत पाठ में वाणी की मृदुलता को अथवा बात कहने के अंदाज को कई उदाहरणों के द्वारा स्पष्ट किया गया है। वाणी की मृदुलता यानी हमको मीठी वाणी बोलनी चाहिए, कोमल वाणी बोलनी चाहिए, और बात कहने का अंदाज भी कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, ताकि सुनने वाले को भी बहुत अच्छा लगे। वाणी सबके पास है, पर उसका सम्यक समुचित प्रयोग हर किसी को नहीं आता। बच्चों, वाणी सबके पास है, हर मनुष्य के पास वाणी है, हर मनुष्य बोलने जानता है, लेकिन कब कहां पर कैसा बोलना है ये मनुष्य जो है वो नहीं जानता। और गलत वाणी, गलत समय पर गलत वाणी का प्रयोग करके, गलत बोली का प्रयोग करके, फिर वो क्या हो जाता है, लोगों का मन को दुखी करता है और खुद भी दुखी हो जाता है। चीनी दार्शनिक कन्फ्यूशियस के द्वारा जीभ और दांत के उदाहरण के जरिए लेखक ने मीठी वाणी के सत्कार और कटुक वचन के अस्वीकार को स्पष्ट किया है। जो चीनी दार्शनिक है कन्फ्यूशियस, उन्होंने जीभ और दांत के उदाहरण के द्वारा बताया है। तो आगे देखते हैं कि उन्होंने क्या बताया। दास प्रथा के दिन में एक मालिक के पास अनेक गुलाम थे। गुलाम का मतलब समझते हैं ना आप लोग, गुलाम वो होता है बच्चों कि जिसका स्वयं की मर्जी से कोई काम नहीं होता, बल्कि उसको अपने जो मालिक है उनकी मर्जी के अनुसार व्यवहार करना पड़ता है, काम करना पड़ता है। तो उसका नाम था लुकमान। लुकमान था तो गुलाम, किंतु वह बड़ा बुद्धिमान था, बुद्धिमान यानी बहुत होशियार था। उसकी प्रशंसा इधर उधर फैलने लगी, चूंकि वो बुद्धिमान था इसलिए उसकी प्रशंसा सर्वत्र फैलने लगी। एक दिन उसके मालिक ने उसे बुलाया और कहा, सुनते हैं तुम बहुत होशियार हो, मैं तुम्हारा इम्तहान लूंगा। इम्तहान यानी परीक्षा। अगर तुम कामयाब हो गए तो गुलामी से तुम्हें छुट्टी दे दी जाएगी। कामयाब यानी बच्चों, कामयाब यानी सफल। तो उसका मालिक क्या कहता है कि तुम बहुत होशियार हो, मैं तुम्हारा क्या लूंगा, परीक्षा लूंगा तुम्हारी होशियारी की, और अगर उस परीक्षा में तुम क्या हो गए, सफल हो गए, तो मैं तुमको गुलामी से क्या कर दूंगा, छुट्टी दे दूंगा, तुम आजाद हो जाओगे। अच्छा जाओ। और उसका मालिक जो है कहता है कि अच्छा जाओ, एक मरे हुए बकरे को काटो और उसका जो हिस्सा सबसे बढ़िया हो उसे ले आओ। लुकमान ने वैसा ही किया, एक बकरे को कत्ल किया और उसकी जीभ लाकर मालिक के सामने रख दी। कारण पूछने पर लुकमान ने कहा, अगर शरीर में जीभ अच्छी हो अच्छा ही अच्छा है। मालिक ने कहा, अच्छा इसे उठा ले जाओ और अब बकरे का जो हिस्सा सबसे बुरा हो उसे तुम क्या करो, ले आओ। लुकमान बाहर गया, लेकिन थोड़ी देर में उसने उसी जीभ को लाकर मालिक के सामने फिर रख दिया। कारण पूछने पर लुकमान ने कहा, अगर शरीर में जीभ अच्छी नहीं है तो फिर सब बुरा ही बुरा है। आप लोग को समझ में आया ना बच्चों, कि जब लुकमान को उसका मालिक कहता है कि बकरे का सबसे अच्छा हिस्सा लाओ शरीर का, तो वो किसको लाता है, जीभ को लाता है। क्यों जीभ को लाता है, कि जीभ के माध्यम से ही हम क्या करते हैं, बात करते हैं, हम किसी से के साथ संवाद जीभ के माध्यम से करते हैं, मुँह से करते हैं। और अगर हमारी वाणी ही, अगर वाणी अगर हमारी अच्छी है तो हर किसी को वो क्या लगेगा, अच्छा लगेगा। तो हमारा शरीर का सबसे अच्छा अंग क्या हो गया, जीभ हो गया। लेकिन इसी जीभ से, इसी वाणी से अगर हम गलत बात बोलते हैं या किसी की दिल दुखाने वाली बात बोलते हैं, तो ये जीभ ही हमारे शरीर का क्या हो गया, सबसे बुरा अंग हो गया। एक दूसरी घटना है। एक जिज्ञासु चीनी दार्शनिक कन्फ्यूशियस के पास पहुंचा। कौन पहुंचा, एक जिज्ञासु। जिज्ञासु यानी जिसको जानने की बहुत इच्छा हो, उसको कहते हैं जिज्ञासु। तो एक जिज्ञासु चीनी दार्शनिक कन्फ्यूशियस के पास पहुंचा। उसने उनसे पूछा, यह बताइए कि दीर्घजीवी कौन होता है। दीर्घजीवी यानी बहुत दिन तक जीने वाला। वृद्ध कन्फ्यूशियस मुस्कुराए और बोले, जरा उठकर मेरे पास आइए और मेरे मुंह में देखिए जीभ है या नहीं। जिज्ञासु ने देखकर कहा, जी हाँ जीभ तो है। कन्फ्यूशियस ने फिर कहा, अच्छा अब देखिए कि दांत है या नहीं। जिज्ञासु ने देखकर कहा,
दांत तो एक भी नहीं है। अब कन्फ्यूशियस ने कहा, जीभ तो दांत से पहले पैदा हुई। बच्चों आप लोग को पता है कि दांत तो 7-8 महीने का होता है बच्चा, तब दांत निकलता है, है ना। और जीभ जो है वो तो बचपन से ही, जीभ जैसे ही पैदा लेता है बच्चा तो जीभ तो उसका रहता ही है। तो कन्फ्यूशियस कहता है कि जीभ तो दांत से पहले पैदा हुई थी, उसे दांतों के पहले जाना चाहिए था, ऐसा क्यों नहीं हुआ? मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है, आप ही बताइए। कन्फ्यूशियस बोले, जीभ कोमल है, दांत कठोर है, जिसमें लचीलापन होता है, जो नम्र होता है वह अधिक समय तक जीता है और जीवन में जीतता है। समझ में आए बच्चों आप लोग को, कि जो इस दुनिया में जो कोमल है और जिसमें लचीलापन है, जो नम्र है, तो वो अधिक समय तक जीता है। और दांत जो है वो कैसा है, कठोर है, इसलिए दांत जो है वो पहले खत्म हो जाता है, पहले गिर जाता है। और जीभ नरम है, कोमल है, इसलिए जीभ जो है वो बहुत दिन तक रहता है। यह दो कहानियां हैं किंतु एक ही सत्य को उद्घाटित करती हैं। आपने दो कहानियां पढ़ी, एक लुकमान की कहानी पढ़ी और एक कन्फ्यूशियस की कहानी पढ़ी। तो ये दो कहानियां हैं किंतु एक ही सत्य को उद्घाटित कर रही हैं, और वह यह है कि जीवन में वाणी का बहुत महत्व है। कैसा महत्व है? कि हमेशा मनुष्य को मीठी वाणी बोलनी चाहिए और कटु वचन बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि मीठी वाणी जो है वो बोलने वाले को भी बहुत अच्छा लगता है और सुनने वाले को भी बहुत अच्छा लगता है। इसलिए बच्चों तुलसीदास जी ने भी कहा है कि मीठी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। आगे देखते हैं, वाणी तो सभी को मिली हुई है परंतु बोलना किसी किसी को ही आता है। बोलते तो सभी हैं किंतु क्या बोले, कैसे शब्द बोले, कब बोले, इस कला को बहुत कम लोग जानते हैं। संसार में सभी प्राणियों में वाणी का वरदान मात्र मानव को मिला है। सिर्फ मानव को संसार में, जो गाय बैल कुत्ता बिल्ली ये लोग बोलना जानते हैं क्या बच्चों? नहीं जानते। सिर्फ मनुष्य ही बोलना जानता है, क्यों? क्योंकि उसको वाणी का वरदान ईश्वर से मिला हुआ है। भारत विनाशकारी महाभारत का युद्ध वाणी के गलत प्रयोग का ही परिणाम था। आप लोग को पता है कि द्रौपदी जो है वो दुर्योधन को कैसे बोलती है, कटु वाणी बोल देती है, चुभने वाली बात बोल देती है। इसलिए जो है दुर्योधन के मन में वो बात जो है चुभते रहता है उसके मन में, इसलिए महाभारत का युद्ध जो है वो होता है। तो भारत विनाशकारी महाभारत का युद्ध वाणी के गलत प्रयोग का ही परिणाम था। इसलिए सदा सदा से यह कहा जाता है कि किसी का हृदय अपनी कटु वाणी से विचलित मत करो। कभी भी किसी का हृदय कटु वाणी बोल करके विचलित मत करो। कभी किसी का हृदय मन जो है, हृदय या मन मत दुखाओ। मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार हवे संचरे सालय सकल शरीर। कुटिल वचन सबसे बुरा, जारी करे तनछार, साधु वचन जल रूप है बरसे अमृत धार। मीठी वाणी है वो औषधि के समान होती है और कड़वी वाणी जो है वो तीर के समान चुभने वाली होती है। इसलिए बच्चों कभी भी कड़वी वाणी का प्रयोग नहीं करना चाहिए, बल्कि मीठी वाणी जो है जीवन में अमृत के धार के समान जीवन को पवित्र करने वाली होती है, मन को अच्छा लगने वाला होता है, इसलिए मीठी वाणी का प्रयोग ही करनी चाहिए। स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री अपने विनम्र स्वभाव और मधुर वाणी के लिए प्रसिद्ध थे। आप लोगों ने लाल बहादुर शास्त्री जी का नाम सुना है ना, तो वो जो है कैसे थे, विनम्र स्वभाव वाले और मधुर वाणी के लिए प्रसिद्ध थे। और बच्चों हमारे भारत देश के वो प्रधानमंत्री भी थे लाल बहादुर शास्त्री जी। प्रयाग में एक दिन उनके घर पर किसी नौकर से कोई काम बिगड़ गया। श्रीमती शास्त्री का क्रोध में आना स्वाभाविक था, शास्त्री जी की पत्नी का क्रोध में आना स्वाभाविक था, क्रोधित हो गई वो, नौकर को बहुत डांटा। तो शास्त्री जी, श्रीमती शास्त्री जी जो हैं वो नौकर को क्या करती हैं, बहुत डांटती हैं। शास्त्री जी ने अपनी पत्नी से कहा, अपनी जबान क्यों खराब कर रही हो, लो एक शेर सुनाओ। तो देखिए शास्त्री जी क्या शेर सुनाते हैं अपनी पत्नी को, कुदरत को नापसंद है शक्ति जबान में, इसलिए तो नहीं दी हड्डी जुबान में। समझ में आया बच्चों इसका अर्थ, कि कुदरत को अर्थात ईश्वर को भी ये चीज पसंद नहीं है। क्या पसंद नहीं है, शक्ति मतलब जो सख्त बात जो है वो जबान में पसंद नहीं है, इसलिए
हमारी जो जीभ है उसमें हड्डी भगवान ने नहीं दी, क्योंकि हड्डी कैसी होती है, कड़ी होती है, सख्त होती है, और जीभ कैसी है, नरम है। और फिर मुस्कुराते हुए शास्त्री जी ने आगे कहा, जब एक शेर सुना है तो एक दूसरा शेर भी सुन लो। जो बात कहो साफ हो, सुथरी हो, भली हो, कड़वी ना हो, खट्टी ना हो, मिश्री की डली हो। मिश्री की डली यानी मीठी, मिश्री खाया है ना आप लोगों ने। तो शास्त्री जी भी ये कहते हैं कि जो बात बोलो साफ सुथरी बोलो, भली बोलो, अच्छी बात बोलो, कड़वी ना बोलो, खट्टी ना बोलो, बल्कि मिश्री की डली के समान मीठी वाणी का प्रयोग करो। इन शेरों को सुनकर श्रीमती शास्त्री का क्रोध का पारा बहुत नीचे उतर गया था, अर्थात वो क्या हो गई, शांत हो गई। जरूरी नहीं कि जीभ की कमान से ज्यादा वचनों के बाण ही छोड़े जाएं। वाक चतुरी से कटु सत्य को भी प्रिय और मधुर बनाया जा सकता है। वाक चतुरी से, वाक चतुरी किसको बोलते हैं कि बोलने में चतुराई, अर्थात हम इतने कड़वी बात को भी, किसी को चुभने वाली बात को भी हम अपनी वाक चतुरी से प्रिय और मधुर बना करके हम बोल सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसका उदाहरण। किसी राजा ने स्वप्न देखा कि उसके सारे दांत टूट गए हैं। ज्योतिषियों से फल पूछा, एक ने कहा, राजन आप पर संकट आने वाला है, आपके सब संबंधी और प्रियजन आपके सामने ही एक एक कर क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। दूसरे ज्योतिषी ने कहा, आप अपने सारे संबंधियों और प्रियजनों से अधिक काल तक इस संसार का सुख ऐश्वर्य भोगेंगे। दोनों कथनों का सत्य एक ही है। पहले ज्योतिषी ने क्या कहा था कि राजन आप संकट का बादल आने वाला है, आपके सब संबंधी और प्रियजन जो है वो आपके सामने ही क्या हो जाएंगे, मर एक एक करके मर जाएंगे। और दूसरे ज्योतिषी ने क्या कहा बच्चों, दूसरे ज्योतिषी ने कहा कि आपके सारे संबंधियों और प्रियजनों से अधिक काल तक आप इस संसार का सुख ऐश्वर्य भोगेंगे। तो दोनों का मतलब क्या हुआ, एक ही हुआ, है ना। तो दोनों कथनों का सत्य एक ही है, किंतु पहले ज्योतिषी को कारावास मिला और दूसरे को पुरस्कार। अर्थात राजा जो है पहले ज्योतिषी से क्या हो गए, नाराज हो गए, क्योंकि वो क्या कह रहे हैं कि तुम्हारे पहला वाला ज्योतिषी क्या बोला कि तुम्हारे जो इतने सगे संबंधी हैं तुम्हारे सामने ही क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो किसी को भी ये बात सुनने में अच्छी नहीं लगेगी, ठीक है। इसलिए राजा ने उसको क्या कर दिया, कारावास अर्थात जेल में डाल दिया। और दूसरे ज्योतिषी के बोलने का ढंग बहुत अच्छा था कि तुम्हारे जो प्रियजन हैं, तुम्हारे संबंधी हैं, उनसे भी तुम अधिक काल तक इस संसार में क्या करोगे, सुख ऐश्वर्य को भोगोगे, ठीक है ना। तो और दूसरे को इसलिए क्या मिला, पुरस्कार मिला। तो ये दोनों उदाहरण से हमको क्या समझ में आता है कि हमको अपनी वाक चातुर्य से किसी कड़वी बात को भी हम इतने अच्छे ढंग से बोल सकते हैं कि सुनने वाले को भी कैसे लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो बच्चों यदि आपकी वाणी कठोर है, तीखी है, कर्कश है, तो उसे सुधारिए, मीठी बनाइए, नहीं तो लोकप्रिय व्यक्तित्व का सपना अधूरा ही रह जाएगा। अर्थात हर व्यक्ति चाहता है लोकप्रिय होना। लोकप्रिय किसको कहते हैं, लोगों का प्रिय, कि लोग जो है हमको क्या समझे, हमको अच्छा कहें। तो लोगों की नजरों में अगर हमको अच्छा बनना है तो हमको अपनी वाणी कैसी रखनी पड़ेगी, मीठी वाणी का प्रयोग करना पड़ेगा, कठोर वाणी को त्यागना पड़ेगा, तीखी और कर्कश वाणी का प्रयोग हमको नहीं करना है, बल्कि हमको हमेशा मीठी वाणी का प्रयोग करके मीठे वचन बोलना है, तभी हम इस संसार में लोकप्रिय हो पाएंगे। तो बच्चों पढ़ाते पढ़ाते मैंने जो भी कठिन शब्द आया उसका शब्दार्थ बताया है, लेकिन कुछ शब्दार्थ और है जो महत्वपूर्ण है, जिसको मैं पुनः बताना चाह रही हूँ। तो देख लीजिए, जिज्ञासु, जिज्ञासु किसको कहते हैं, जानने की इच्छा करने वाला या पूछताछ करने वाला। वाक चातुरी, वाक चातुरी कहते हैं हाजिर जवाब को। कुदरत, कुदरत प्रकृति या ईश्वरी शक्ति। विचलित, विचलित कहते हैं अस्थिर, या उसी को कहते हैं चंचल। शक्ति, शक्ति यानी होता है कठोरता या कड़ाई। कहर, कहर कहते हैं बच्चों आफत को या विपत्ति को। दीर्घजीवी, दीर्घजीवी कहते हैं लंबी उम्र वाला। तो बच्चों ये पाठ कटुक वचन मत बोल, ये पाठ बहुत अच्छा पाठ है, आप लोग को भी पढ़ के बहुत अच्छा लगा होगा। और इस पाठ से जो हमको सीख मिली है, आप लोग को जो सीख मिली है, क्या सीख मिली, कि कटुक वचन नहीं बोलना चाहिए, हमको कड़वी वाणी का प्रयोग नहीं करना चाहिए, बल्कि मीठी वाणी का प्रयोग हमारे जीवन में हमको करना चाहिए, तभी हम क्या बनेंगे, लोकप्रिय बनेंगे। तो आइए अब हम देख लेते हैं गृह कार्य के प्रश्न। तो देखिए पहला प्रश्न है,
लुकमान ने बकरे के शरीर के सबसे अच्छे और बुरे हिस्से के चयन में जीप को ही क्यों चुना? दूसरा प्रश्न है, लोकप्रिय बनने के लिए आपको क्या क्या करना होगा? तीसरा प्रश्न, जीप कोमल है, दांत कठोर है, जिसमें लचीलापन होता है, जो नम्र होता है वह अधिक समय तक जीता है। इस उक्ति पर आप अपना अभिमत दीजिए। तो बच्चों, आज का पाठ हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।